हेलो एवरीवन मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ड्रेन्स जहां आपको मिलता है 100 परसेंट एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडर गार्डन टू ट्वेल्थ क्लास तो आज हम करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 11 रिडेम्शन ऑफ डिबेंचर्स हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ट्रू एंड फॉल्स वाले देख लिए अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स वाले ठीक है फर्स्ट डिबेंचर्स आर रिडीम्ड विदाउट आउट ऑफ तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है क्या बोल रहे हैं को अगर हम रिडीम करते हैं ठीक है without setting aside amount of debenture redemption reserve, बिना बनाए अगर हम रिडीम कर रहे हैं इसका मतलब हम प्रॉफिट का यूज ही नहीं कर रहे पूरा पूरा रिडेमशन कहाँ से हो रहा है आउट ऑफ कैपिटल हो रहा है फेस वैल्यू ऑफ outstanding debentures to deb debenture redemption reserve it is redemption out of profits ठीक है तो अगर सिर्फ और सिर्फ पूरा redemption out of profits कर रहे हैं हम ठीक है तो हमें क्या करना पड़ेगा पूरा 100% से डी बनाना पड़ेगा किसके 100% परसेंट बनाना पड़ेगा जो नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स आउटस्टैंडिंग है उनका ठीक है थर्ड उट ऑफ तो अगर हमें डी आर आर क्रिएट करना पड़ रहा है टेन परसेंट से इसका मतलब टेन परसेंट वाला जो हिस्सा है वो हमारा प्रॉफिट का हो गया और बाकी कैपिटल का तो ये रिडेम्शन आउट ऑफ क्या हो जाएगा कैपिटल एंड प्रॉफिट हो जाएगा दोनों ही हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट अमाउंट इज सेट असाइड टू डैश बिफोर द रिडेमशन ऑफ डिबेंचर्स ठीक है तो हमें अमाउंट इज सेट असाइड टू डैश कहां पे हम अमाउंट सेट असाइड करते हैं गुल्लक का नाम क्या है बड़ा ही सिंपल है डी आर आर तो यहां पर हम लिख लेते हैं डिबेंचर रिडेम्शन रिजर्व ठीक है माउंट जो हम सेटा साइड करते हैं डी आर आर में कहा कब रिडे चलो डिवेंचर री मेड ऑफ एन अमाउंट एटलीस्ट इक्वल टू डैश ऑफ द नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफेंचर टू बी रिडीम्ड तो डिबेंचर जो रिडीम कर रहे हैं उसका कितना परसेंट उनकी फेस वैल्यू का कितना परसेंट हमें डी आर आई करना पड़ेगा पंद्रह परसेंट ठीक है ड्यूरिंग द इयर एंडिंग मार्च थर्टी फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर बाय द कंपनीज विच आर नॉट एक्सेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन डी आर आई ठीक है तो so, इतने इतने वाले फिल इन द ब्लैंक्स क्लियर हो गए पांच पांच स्टेटमेंट्स हो गए आगे बढ़ते हैं अगले स्टेटमेंट पे डिबेंचर्स रिडेम्शन इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड डैश थर्टीएथ अप्रैल ऑफ द करेंट ईयर फॉर द डिबेंचर टू बी रिडीम बाय थर्टी मार्च ऑफ द ईयर तो हमने देखा है रिडीम कर रहे हैं ठीक है अगर थर्टी मार्च ऑफ द ईयर को तो उसके जस्ट पहला वाला जो थर्टी अप्रैल है उस दिन या उसके पहले तो यहां पर क्या हो जाएगा मेड ऑन और बिफोर थर्टीएथ अप्रैल क्योंकि हम एक अप्रैल से लेकर तीस अप्रैल में ही डी बना सकते हैं ठीक है डी में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्लियर हो गया इतना तो तीस अप्रैल के पहले पहले एनी हाउ हमें डी बनाना पड़ेगा चलो इट इज नेसेसरी फॉर डैश टू सेट असाइड अमाउंट टू डिवेंचर रिडेमशन रिजर्व तो डी में किसको असाइड करना जरूरी है टेबल में याद करो कौन सी कंपनीज थी ये आपकी थी अनलिस्टेड एनबीएफसी एच एफ सी ठीक है तो जो अनलिस्टेड नॉन एनबीएफसी एच एफ सी कंपनीज हैं, ठीक है, है, है? उन्हीं को डी आर आर बनाने की जरूरत पड़ती है मतलब दैट इज अदर अनलिस्टेड कंपनीज है उनको ठीक है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाई आरबीआई बैंकिंग कंपनीज अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड डैश आर नॉट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट अमाउंट इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज तो बड़ा ही सिंपल है अनलिस्टेड में जो एनबीएफसी और एच एफ सी बेसिकली ठीक है उनको आपका क्या नहीं करना ना डी आर आर बनाना है ना डी आर आई में इन्वेस्ट करना है तो यहां पर हो जाएगा अनलिस्टेड एनबीएफसी एंड एच एफ सी आ रहा है समझ में इसलिए मैं कहती हूं आपको टेबल बिल्कुल दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट आफ्टर द डिबेंचर्स आर रिडीम्ड प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ डी आर आर इज ट्रांसफर टू डैश बड़ा ही सिंपल है डिबेंचर्स रिडीम हो गए उसके बाद डी आर आर हमारी गुल्लक का प्रपोर्शनेट अमाउंट हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं प्रपोर्शनेट अमाउंट जितना हमारा रिडीम हो चुका है उससे रिलेटेड डी आर आर में जो है उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं उसका काम हो चुका तो उसको हम स्पेसिफिक रिजर्व से कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं जनरल रिजर्व में आ गया समझ में ठीक है सिंपल था चलिए तो यहाँ पर हमारे इन द ब्लैंक्स भी सारे कंप्लीट होते हैं इस चैप्टर के आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है इसमें कोई भी डाउट हो वैसे होना नहीं चाहिए बट अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा आज के लिए इतना ही बाकी के क्वेश्चंस करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन स्टे ट्यून्ड गुड बाय